अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लेटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? उस्ताद नहीं लगे बनो, ट्रैक्टर खराब हो गया। ये बड़ा ही निज़ाम गलत हो गया, बड़े खर्चे पहने ने इसते, सारा ट्रैक्टर खुल गया। आज जार जाया हो गई, ना उस्ताद आके चढ़ गए, जान छोड़ने दिना जड़ा है ना कर रहे हैं। इसमें और फिंगर सारे ख़राब हो गए, क्लच प्लेट बैरिंग टूट गए, क्योंकि गंदम कटाई वाला जो काम है, जोरे वाला काम है, उसकी वजह तो कर गए। उस्ताद जी रोज़ा रख के लगे पेन। उस्ताद जी तकरीबन जो काम साढ़ा खुले है, इससे तकरीबन कितना खर्चा आवे सी? काफी जोर मंगनी है, क्योंकि ऐसा जड़ा है ना, ताकत चाहिए, जोर नहीं कटाई है। इस सीजन में थोड़ी जी कणक ने गंद में दुआ बहुत भारी है, गंदिया ने जड़ी बूटियां बहुत ने, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई। ये दसो तुम इतने अपने की नाम है थोड़ा सर? दानिश साहब, तुम ये दसो थोड़ा इतनी वर्कशॉप है, अवान ट्रैक्टर वर्कशॉप, रेलवे स्टेशन गोल्डा शरीफ से वर्कशॉप है, तो तुम तकरीबन कितने करी घर रखे हैं? महीने नहीं, कितनी आमदन है तुम्हें, कितना खर्चा है? तकरीबन महीने जी तुसी कितना कमा गिने हो? कल कमे तक। अच्छा, मतलब जिस हिसाब नाल काम आसी उस हिसाब नाल तुहाडी मजदूरी बन सी। और जड़े अजकल स्पेयर पार्ट आ रहे हैं, मशीनरी ने, ट्रैक्टर हो गया या किसी चीज़ ने भी, स्पेयर पार्ट ने कितने इकसाम होंगे की, मतलब स्पेयर पार्ट महंगा है, सस्ता है, या की हिसाब है? सस्ता डीजल ही है, और सामान और नहीं मैगे लोड बांधे। अच्छा, लॉकडाउन की वजह तो परेशानी है। ठीक हो गया, ते सीजन नल थोड़ा काम ठीक चल रहा है? ठीक हो गया, 6 महीने काम ठीक चल रहा है। अच्छा, सर्दियों में काम डाउन होना है? ठीक हो गया, ठीक। चलो जी, अल्लाह पाक सारे ने कमा च बरकत पावे। ते असा जड़ा टीका ने आज थोड़ा जा दरमियाना जा करके लायो। हाजी साहब, बैटरी में फर्क हो गई इन्हें? सूरत हाल जमींदार आखने कुछ सस्ती चीज मिले, जनाब इस चीज़ों पर नज़रसानी कर, क्योंकि असा नाल ही हमसाया मुल्क इंडिया, उतने जिमीदार हाँ, किसान हाँ, बहुत बड़ी सबसिडी मिलनी है, बहुत राहत मिलनी है उन्होंने, लेकिन इतने पाकिस्तान में कोई हाल नहीं, साड़ा हर चीज़ महंगी मिलनी है। हूँ रमज़ान आया, साढ़ा ही हालत है, रमज़ान में हर चीज़ साड़ी महंगी हुई है, हालांकि ये चीज़ा सस्ती होनी चाहिए, गरीब बंदे जो मतलब थोड़ा राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कोई हाल नहीं। यवान ऑटो एंड ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स वाले ने हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने वर्कशॉप भी जी है, बैठे हैं हाजी सलीम साहब इधर, अगे गए हैं इस साइड को, अभी कोई वर्किंग जी सारे ट्रैक्टर उतने खुलते बने, मशीनरी इतनी को हो गई है कि अपना जिस पास देखो सारे ट्रैक्टर खराब हो जाए, खलते हैं ना कमा जे पिछे भी टैंकी जी खराब हो गई है, उसमें भी सारा सिस्टम खुले गए। हाजी सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं तुसा थोड़ा जा इंटरव्यू देना में कि तुसा नी स्पेयर पार्ट की दुकान है ते नाल तुसी इलेक्ट्रिशियन ना काम करने हो, तकरीबन तुसा नी कितनी आमदनी होवे नी, कोई कम शम कैसा है? तकरीबन जो सीजन ना काम होना है वो होना है, तो स्पेयर पार्ट किस तरह मिल रहा है, कुछ सस्ता मिल रहा है या दरमियाना, की हिसाब किताब है? अच्छा, अच्छा।
मतलब आखने ने कि हर बंदा महंगाई नहीं हथों तंग है तो सारा ट्रैक्टर है जी तुसी भी टीका लवाने आयो बीमार हो गए हो चलो यार जी सलीम साहब होने तो ठीक कर देंगे दोस्तों असी वर्कशॉप से आए हुए हाँ इतने बहुत बुरा ही हाल है सीजन के अगर मजदूरी ने दिन होने गड्डिया ने अक्सर पहले भी लोग काम अपना करा के जिस तरह मैं हूँ मेरा ट्रैक्टर है तो मैं ट्रैक्टर से तकरीबन वो मेरा कलेजी कलर वाला ट्रैक्टर है परला इस ट्रैक्टर से मैं सीजन तो पहले 1,45,000 रुपया यासर इंजन वर्कशॉप है उठे फतेह जंग तो उतों मैं काम कराया लिहाजा इस सीजन च फिर भी माँ खराब कर रहा है तकरीबन 4 to 5 दफ़ा मैं वर्कशॉप आ चुके हैं तो ये हम दानिश साहब लगे हैं जोरों शोर मेरा काम कर रहे हैं।